मैंने कहा था ना, जो इंसान सोचता है वैसा होता कहाँ है। सुबह 7 बजे होटल वाले ने रूम खाली करने के लिए बोल दिया। ना मार्केट ओपन थी, ना ही कोई रेस्टोरेंट, और हम घूम रहे थे खाली सड़कों पर, वो भी सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे। तो सुबह के 7 बजे, 7:30 के करीब हो गए हैं और होटल से हम निकल गए हैं। अब उदयपुर के लिए निकल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है उदयपुर जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हमें घर भी लौटना है वापस। अभी हमने रिक्शा किया हुआ है। सुबह का मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पर, तो आज शायद ही हम यहाँ पे जयपुर में ही आज पूरा दिन बिताएंगे। तो आज का ब्लॉग जयपुर में ही होगा। और इतनी सुबह ही उठ करके, क्योंकि होटल वाले ने ये यहाँ पर बोल दिया है कि आपको 24 घंटे मतलब मिलते हैं आपको, हम एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि नहीं, कि एक्स्ट्रा पैसे वगैरह जो है हमें नहीं चाहिए, आप होटल जो है आप आए थे, हम सुबह में आए थे, एक्चुअली हम सुबह में आए थे परसों, तो 2 दिन का हमने ले रखा था रूम रेंट पर। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, आज आपको खाली करना पड़ेगा या फिर 1-2 दिन के लिए और लेना पड़ेगा। 1-2 घंटे के लिए वो मना कर रहे थे कि अगर हम, मैंने ये भी बोला कि हम 10 बजे तक निकल जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो थोड़ी दिक्कत ये हो गई, तो इसलिए हमें सुबह निकलना पड़ रहा है। अभी जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड यहाँ पर है, इसलिए किया हुआ है। तो आगे देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो बस हमें जो है अभी पकड़नी नहीं है, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि घूम लेते हैं। बस उदयपुर के लिए जो है वो 10 बजे की है और अभी 8:30 के करीब हो रहे हैं, और 10 बजे की हम बस छोड़ेगी हमें उदयपुर तकरीबन 6 बजे। तो हमने कैंसिल कर दिया है उदयपुर जाना, क्योंकि हमें दिल्ली भी लौटना है। और दिल्ली की जो बस है वो हर घंटे है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि थोड़ा जयपुर ही घूम लें। घूमते घूमते सुबह, यहाँ पर सुबह का टाइम है, सब कुछ बंद है, आप देख रहे हैं, और ऐसे ही घूमना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, बस थोड़ा सा बैठने का कुछ और जुगाड़ या फिर रेस्टोरेंट ढूँढ रहे हैं, यहाँ पर अच्छा सा कोई मिल जाए। रेडिएशन में चलते हैं। आप लेते इसे क्या आधे दिन के लिए दे दे? मना तो कर दिया, थोड़ा तो घूम पाएंगे और क्या कर दूँगा। यानी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हम यूं ही टहलते रहे, उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे। और सोने पे सुहागा, उदयपुर की बस भी नहीं मिली उस टाइम, तो फिर सोचा दिल्ली चलते हैं वापस, पर इतना आसान कहा था। हम वेट करते रहे एक रेस्टोरेंट में बैठ करके। आओ, इसमें मत करो, तुम भी दिल्ली जाओगे? हमारे पास है 3-3, तुम जो 6। यार बस का वेट कर रहे हैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के। पीछे एक गोदाम सा लग रहा है, लेकिन गोदाम नहीं है, रेस्टोरेंट। हमें 2 घंटे बाद बस है। अरे क्यों बेचारा, कैसे? चलो कुछ खाने के लिए दूध वूध लें तुम्हारे लिए, हैं? सही से बिठा लो। जिम्मे के साथ खेलोगे? बिठाऊँ कैसे यार, आ जाओ बैठ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। किसी ने उसको प्यार नहीं किया ऐसा लग रहा है। मावा
कचौरी खा रही हो? मावा कचौरी खा रहे हैं और प्याज की कचौरी पैक कर रहे हैं। ये रही। चलो। पैकिंग अच्छी है, गरम गरम है, लेकिन हमने अभी खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है तो हम खा नहीं पाएंगे, बट स्मेल इज सो डिलीशियस। चलो ये पकड़ो यार मेरा बैग। ये मीठे के शौकीन, ये मीठी हम नमकीन के शौकीन, ये हमारी नमकीन। नहीं भाई कुछ नहीं, अभी हम बस जा रहे हैं। चलो चलो। अरे तो कचौरी हमने ले ली है यहाँ से, फेमस है, क्या नाम है, रामा रावत पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, रावत की कचौरी फेमस है, रावत की कचौरी यहाँ से फेमस है जयपुर की, और हमने पैक करा ली है काफ़ी सारी। और ये इसके प्राइस भी हम आपको बता देते हैं। हाँ प्राइस भी बता देते हैं, मावा वाली मीठी 70 रुपये की है, मीठी मिलती है कचौरी है पहली बार खाऊंगा, और नमकीन वाली 50 रुपये की है जो हमने बहुत सारी पैक करा ली है। अभी यहाँ से जा रहे हैं, बस देखिए 2 बजे की है, खाना वगैरह हमने रेस्टोरेंट में खा लिया था बिल्ली के साथ, बहुत देर तक बिल्ली हमारे पास बैठी रही, तो फिर अभी बस का जो है सफ़र होगा और हम पहुंच जाएंगे यहाँ तकरीबन 7-8 बजे शाम को, या फिर 9 भी बज सकते हैं, तो जैसा होगा फिर ब्लॉग में आगे मिलते हैं। बाकी यहाँ का तो सब कवर हो चुका है, और भांगड़ भी जाना चाहते थे लेकिन भांगड़ जाना कैंसिल हो गया क्योंकि धूप बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो भांगड़ के लिए भी हमारा कैंसिल हो गया। भांगड़ जा रहे थे, बाइक ले रहे थे रेंट पर, वो भी कैंसिल हो गया। फिर हमने सोचा कि दिल्ली निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि यहाँ ऑटो वाले रिक्शे वाले घुमा रहे हैं। अभी हमने रावत के लिए पूछा तो 1 मिनट का रास्ता था पैदल में, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं था, सामने ही था रावत, तो उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, मैं 50 रुपये लूँगा। इस तरह से थोड़ा सा जालसाजी हो रही है यहाँ पर, रिक्शे वाले हो ऑटो वाले हो सब यही कर रहे हैं, घुमा रहे हैं लोग, तो ये दिक्कत है। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो रिक्शे वगैरह वालों से ना पूछें, लोकल लोगों से पूछें तो वो सही एड्रेस सही रास्ता बताएंगे और टाइम भी बताएंगे आपको कौन कितनी देर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको आज का मौसम मिलने वाला है जयपुर में। ये जयपुर मेट्रो है, ये सीधा हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ से बस मिलने वाली है, तो बस के लिए अभी टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, 1 घंटा है, लेकिन रेस्टोरेंट में फिर बैठना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली जाने के लिए हमें 2 बजे वाली बस मिली, लेकिन किस्मत देखिए वो भी 2 बजे का टाइम आते आते कैंसिल हो गई। फिर हमें एक सरकारी बस मिली 3 बजे, हमें एक सरकारी बस मिली 3 बजे का टाइम था उसका, तो हमने सोचा बस इसी से चलना है अब और दिल्ली जैसे तैसे पहुँचे इसी से पहुँच जाते हैं, तो 3 बजे वाली सरकारी बस में बैठ करके वापस दिल्ली आए और तब सुकून की सांस ली। फिर हमने सोचा कि ये क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और, यही होता है दोस्तों, जब हम कुछ सोचते हैं तो होता कुछ और है और होने वाला जो होता है वो हमें पता नहीं होता, तो जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचते नहीं है।